नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 7 जुलाई और रविवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार से आ रही है बजट, 23 जुलाई को होगा पेश। सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट करेगी पेश, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में चलेगा। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट भी पेश किया था। वहीं आपको बता दें कि इस बजट के अंदर ये बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देगा। वहीं 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और कंपार्टमेंट के लिए 40,000 करोड़ की PLI स्कीम की संभावना जताई गई है। वहीं 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश हुआ था। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला ने अपने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसानों पर फोकस करेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सोना 700 रुपये महंगा होकर 73,800 रुपये पर पहुंचा। 1 किलो चांदी की रुपये 1600 बढ़कर 97,800 रुपये में बिकी। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी बड़ी तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 710 रुपये बढ़कर 73,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। अगली बड़ी खबर, टोंक में बाढ़ की हालात, बांध टूटा, स्कूलों में हुई छुट्टियां, बारिश से आधा दर्जन मकान गिरे। वहीं SDRF की टीम पहुंची, MP से संपर्क कटा। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी तेज होने से कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटा में 2 दिन से बारिश हो रही है। यहां शनिवार सुबह पार्वती नदी में उफान से सहयोगपुर और ग्वालियर मध्य प्रदेश मार्ग बंद हो गया है। टोंक में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। तेज बारिश से बिगड़े हालातों के कारण टोंक में भी सभी स्कूलों यानी प्राइवेट और सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई। वहीं बिसलपुर बांध का गैस 310 RL पर पहुंच चुका है। आज आपको बता दें कि इन जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। अलवर और भरतपुर में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीना की इस्तीफी को लेकर डोटासरा ने BJP पर कसा तंज, कहा उन्हें सम्मान नहीं दिया इसीलिए छोड़ा पद। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक रोकने में सफल रही कांग्रेस ने आगामी उपचुनावों के लिए अभी से सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को पूरा सम्मान नहीं मिला, इसी से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो बात के धनी है, अब इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए क्रिमिनल लॉज के तहत ई साक्ष्य ऐप हुआ लॉन्च। राजस्थान पुलिस की नई शुरुआत हुई है। दरअसल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC की तैयारी ई साक्ष्य ऐप से पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया है। दरअसल ये ऐप है वो नए क्रिमिनल लॉज, डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करेगा। बता दें कि राजस्थान में नए क्रिमिनल लॉज के तहत ये ई साक्ष्य ऐप है वो लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एविडेंस डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। मोबाइल पर ये ऐप इंस्टॉल हो सकेगा। साथ ही सर्च एवं सीजर की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोस की हैश वैल्यू की तुरंत मिलेगी। कोर्ट में पहुंचने तक सुरक्षित रहेगा। साक्ष्य सीधे क्लाउड पर जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 66,000 स्कूलों के 58 लाख विद्यार्थियों को स्कूल खुलने के 5वें दिन मिली गुड न्यूज। ये पहला मौका है जब शिक्षा सत्र 2024-25 के शुरू होने के 5वें दिन ही राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया गया है। शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकों ने शोभा बढ़ानी शुरू कर दी है। ये पहला मौका है जब शिक्षा सत्र 2024-25 के शुरू होने के 5वें दिन ही राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। शिक्षा विभाग की बैठक में विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें मिल गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक शहर में खुलेगी फ्लाइंग स्कूल, मिलेगा पायलट बनने का मौका। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले में हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लेकर इंजीनियर तक सभी तकनीक पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएगी, जहाँ पायलट बनने का अवसर मिलेगा।
सस्ती होगी बजरी। 9 जिलों में 48 लीज के ऑक्शन की तैयारी। कीमत 1000 रुपए से नीचे आने की संभावना। दरअसल में राजस्थान में मानसून के बाद बजरी की कीमतें बड़ी कटौती में देखने को मिल सकती है। सरकार ने इसी महीने प्रदेश के 9 जिलों में बजरी की 48 लीज का ऑक्शन करने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि मानसून सीजन पूरा होने के बाद नई लीज जो एरिया से खनन शुरू होगा वो बाजार में लोगों को बजरी सस्ती उपलब्ध कराएगा। खान विभाग की तरफ से प्रदेश के 9 जिलों में 48 लीज जारी की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन है वो 27 जुलाई से शुरू होंगे जो कि 24 सितंबर तक चलेंगे। ये लीज 5 साल तक के लिए दी जाएगी। 3 मीटर तक गहराई में खनन करने के बाद उस जगह को भरने की जिम्मेदारी लीज धारक की होगी। इसके लिए नदी के ही ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से मिट्टी लेकर उसे समतल करना होगा। दरअसल इस बार राजस्थान सरकार नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में लीज ऑक्शन करेगी। इन जिलों के अंदर बजरी की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल भी नहीं होंगे सात संघ चुनाव। मंत्री ने किया ऐलान, न हम कराने वाले हैं न बंद करने वाले। एबीवीपी की सरकार को चेतावनी। राजस्थान में सात संघ चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने जयपुर में स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि राजस्थान में सात संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे, न ही हमारी सरकार ने सात संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि न हम कराने वाले हैं न बंद करने वाले हैं। डिप्टी सीएम के बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने एबीवीपी की न्याय पद यात्रा से डरकर सातर संघ चुनाव रद्द कर दिए थे। ऐसे में हम बीजेपी सरकार से फिर से सातर संघ चुनाव बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों को भारी बारिश का इंतजार। दिन भर चली तेज हवाएं, दिन रात के तापमान 10 डिग्री का अंतर। दरअसल राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मानसून की सुस्ती किसानों पर भारी पड़ रही है। करीब 11 दिन हो गए हैं बारिश की बूंद तक नहीं गिरी है, जबकि प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। हवाओं का ये दौर लगातार जारी है, मौसम विभाग का क्या कहना है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 4 से 5 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां की कोई संभावना नहीं है। दिन में आंधी चलने की संभावना रहेगी। मंगलवार से जिले में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। 10 जुलाई के बाद जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, सीएम अजय शर्मा अचानक पहुंचे दौरों पर। आरयूएसएस अस्पताल का किया निरीक्षण, डॉक्टरों से लिया फीडबैक। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री बजेंद्र शर्मा बारिश के बाद बिगड़ी हालात का जायजा लेने के लिए वो जयपुर में औसत निरीक्षण पर निकले। इसी दौरान उन्होंने जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम अजय शर्मा सीएमओ में मौजूद थे, इसी दौरान अचानक जयपुर शहर का उन्होंने दौरा किया। इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री अपने प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल और यूडीएस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत के साथ शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त को लेकर शपथ दिलाई गई। सीएम अजय शर्मा ने खुद दिलाई शपथ। कहा, 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर यह बड़ा फैसला लिया। विधानसभा पटल पर समस्त सम्मानित विधायकों के साथ राजस्थान को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की शपथ ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानव जीवन एवं प्रकृति के लिए हानिकारक है। स्वस्थ, शुद्ध और रोग मुक्त पर्यावरण के लिए प्लास्टिक के बैग उपयोग नहीं करने का संकल्प है। कागज या कपड़े के बने थैलों का उपयोग करें। अगली बड़ी खबर, मनमर्जी, अगर सही है फ्री गेहूं तो खरीदने होंगे चाय और वॉशिंग पाउडर। दरअसल आपको बता दें कि उचित मूल्य की दुकान से बड़ी खबर आ रही है। अलवर शहर में राशन की दुकानों पर डीलर्स की मनमानी मनमर्जी चल रही है। गरीब जनता के लिए ये परेशानी का सब बन गई है। राशन विक्रेता राशन में दिए जाने वाले गेहूं के साथ अन्य सामग्री भी जबरन उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। राशन विभाग सब कुछ जानकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे राशन डीलरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि एक राशन डीलर इन दिनों गेहूं के साथ साथ जबरन चाय की पत्ती और वॉशिंग पाउडर दे रहे हैं। यहां से राशन ले रहे लोग गरीब जो गरीब जनता है जो सरकार का निःशुल्क राशन लेने के लिए यहां पर आते हैं, ऐसे में गेहूं के साथ जबरन सामान लेने पर उन्हें जोर दिया जाता है। इसी तरह का मामला अलवर शहर में भी आया है।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून की एंट्री से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, मलेरिया डेंगू पर है कड़ी नजर। दरअसल राजस्थान में मानसून मेहरबान हो गया है, जिस वजह से मौसमी बीमारियां मलेरिया डेंगू और शिकनगुनिया की एंट्री हो गई हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसे देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने सभी खास निर्देश जारी किए हैं, रोकथाम का प्रभावी प्रबंधन करने की एक पहल की है। अगली बड़ी खबर, बजट से पहले बजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, पदोन्नति अनुभव में मिलेगी 2 साल की छूट। बजट से पहले बजनलाल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित मांग को पूरा करते हुए पदोन्नति अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आई सच्चाई सामने, सब्सिडी नहीं आने से लोग परेशान, पोर्टल पर भी नहीं कर रहा है काम, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सच्चाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। सोलर एनर्जी को करीब 1 करोड़ घरों तक पहुंचाने का टारगेट रखा था, लेकिन सब्सिडी नहीं आने के कारण वे सभी लोग बहुत परेशान हैं। बता दें कि जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सूर्य घर लगाया है, ऐसे में इन लोगों को अब पैसा वापस नहीं मिल रहा है सब्सिडी के तौर पर। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।